स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के बच्चे हैं ये। कालका जी विधानसभा में इन्होंने एक रन का आयोजन किया था, जो रास्ते में सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको सारे को उठाया, वहाँ से लोगों में संदेश दिया कि इसका इस्तेमाल ना करें क्योंकि आज से ये पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। बच्चों की तरफ से ये संदेश दिया जा रहा था इस पूरी विधानसभा को। मैं इन बच्चों से बात करूँगा और समझूँगा क्या क्या कोशिश थी आप लोगों की आज इसके लिए। हमारी यही कोशिश थी कि हम सबको जागृत करें कि प्लास्टिक से नो टू प्लास्टिक, कि हम प्लास्टिक बंद करें, जैसे कि प्लास्टिक बहुत ज़्यादा हार्म करता है हमारी इस दुनिया को, बहुत ज़्यादा ये बहुत हानिकारक है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो हम यही कहते हैं कि कूड़ा मत फैलाओ, प्लास्टिक्स को बना करो। हम ये कहना चाहते हैं कि प्लास्टिक की जगह और भी चीज़ें हैं, जैसे कि हम स्टील चीज़ें यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें, तो हम प्लास्टिक के बिना और भी सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। मार्केट में जाएंगे सामान लेने के लिए और थैले में देता है दुकान वाला, तो क्या करेंगे? ज़्यादा ट्राई करेंगे कि हम लोग जो है कपड़े के थैले लेके जाएं, और एक तो हमको देख देख के बाकी के लोग भी मोटिवेट होंगे कि वो भी हमारी तरह हमें फॉलो करें। ये कि अगर हम प्लास्टिक बैग्स की जगह जूट बैग्स जो ज़्यादातर यूज़ करे जाते हैं, वो सब्जियों के लिए भी काफ़ी लोग लेकर जाते हैं, और जैसे बोरे भी होते हैं जो कि जूट के होते हैं, हम जो प्लास्टिक बोरे हैं उनकी जगह पर अगर जूट के चीज़ें यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उनको हम अपना थैला लेके जा सकते हैं और इसको देख के बहुत सारे लोग मोटिवेट भी होंगे कि ये लोग, और जब हम खुद बोलेंगे कि आप इसको प्लास्टिक भी नहीं दीजिए, उसको हमें इसमें दीजिए, तो ऐसा तो और सारे लोग भी यही कर सकते हैं, वो अपना थैला लेके जाएंगे। अगर हम घर से अपने झोला लेके जा सकते हैं तो फिर वो ज़्यादा सही है, मोर देन कि हम प्लास्टिक का बैग उन्हीं से लें। तो अगर हम सबको अपने मतलब कि स्कूल में ये सब बताएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, उससे हम सब बच्चे अपने मॉम डैड को भी बता सकते हैं, और फिर वो भी सब्जी अगर ले जाएंगे या सामान तो वो अपनी तरफ से क्लोथ का बैग ले जा सकते हैं। जब मार्केट पहुँचेंगे और वो थैले में दे देता है, आप कपड़े का थैला लेकर गए हैं उसके बाद भी वो पन्नी में डाल के देता है, तो क्या करेंगे? तो हम उन्हें मना करेंगे कि हम जबकि हम थैला लाए हैं तो आप हमें उसी में दीजिए, आप बेफालतू में क्यों प्लास्टिक में दे रहे हैं, इसलिए हम उनको बोलेंगे तो हमें उसमें दे देंगे। सब्जियां एक दूसरे से मिक्स तो नहीं होती, वो तो सेपरेट हो सकती हैं, हम एक ही थैले में अगर उसको लेंगे तो जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसका यूज़ कम हो जाएगा, किसी लोकेलिटी में नहीं, पूरे ग्लोबल लेवल पर हमें प्लास्टिक बहुत हार्मफुल है। तो अगर हम लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं, हम छोटा सा अगर हम कदम ले रहे हैं तो क्या पता उसको देखकर और लोग भी इन्फ्लुएंस हो। लड़के तो अक्सर जाते हैं हाथ में थैला लेकर जाएंगे और शर्म आएगी, तो कैसे जाएंगे मार्केट अगर सामान लेना है? शर्म आने वाली बात नहीं है, अगर हमें अपने देश को मतलब प्लास्टिक फ्री करना है तो सबसे पहले तो ये जो मेंटेलिटी है कि लड़के हैं वो थैला लेके नहीं जाएंगे, शर्म आएगी, ये सबसे पहले खत्म करना पड़ेगा। हम थैला लेके जा सकते हैं और हम प्लास्टिक फ्री इंडिया बनाने में अपना पूर्णतः सहयोग देंगे। मैं ये तो एक तो हम जानते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, और फिर जब हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो हमें ये मना करना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए, और स्पेशली मैं तो इसके ऊपर बहुत ध्यान देता हूँ, क्योंकि एक बार मैं क्या हुआ कि मैं टमाटर खरीदने गया था तो ये टमाटर मुझे कम ही चाहिए था, लेकिन उसने बड़े पन्नी में इतना थोड़ा सा टमाटर दे दिया, मैंने क्या किया उसको पन्नी मैंने दे दिया और वो टमाटर मैंने जेब में रख के चला गया, घर चला गया मैं, और फिर मैं इसके लिए बहुत कंट्रीब्यूट करता हूँ, अपने फैमिली को भी समझाता हूँ इसके लिए। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि पन्नी वापस की और जेब में रख के ले गए, आगे से थैला लेकर जाएं ताकि जेब में अगर टमाटर फूट जाए तो क्या होगा सोचने के बाद, कैसे देखते हैं आप इसको? मैं इस प्रकार से देखता हूँ कि जैसे कि हम दूध लेने जाते हैं तो मोस्टली पिन्निक में आती है दूध, तो इसके अलावा हम ऐसा कर सकते हैं कि कंटेनर लेके जाएं और जो दूध ऐसे मिलता है विदाउट पिन्निक वो हमें इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए यूज़फुल है, अगर पिन्निक में रहती है तो वो हार्मफुल ही होती है हमारे लिए मिल्क। मतलब कि वो अच्छा है कि प्लास्टिक का यूज़ कम हो रहा है, तो मतलब कि लोग अगर प्लास्टिक धीरे धीरे कम होगा, जैसे अभी हमारे अधाना सर ने कहा कि अभी 50% होगा तो फिर कल 60, 80, 70, तो ऐसे काम होगा तो धीरे धीरे पूरा प्लास्टिक फ्री हो जाएगा। सर इसका मकसद तो यही था कि मतलब हम समझें कि प्लास्टिक से कितना नुकसान हो रहा है। जनरली मैं एक सिनेरियो बताती हूँ, मैं जब भी हम लोकल मार्केट जाते हैं कुछ भी सब्जियाँ वगैरह लेने, तो क्या होता है अगर इतनी सी भी चीज़ लेते तो एक पॉलीथीन दी जाती है, मैं क्या करती हूँ पॉलीथीन ओपन रखती हूँ, अब जैसे कोई भी सूखी चीज़ होगी मान लो नींबू या फिर अदरक वगैरह, तो उन्हें दूसरी चीज़ से कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो मैं उन्हें एक ही थैले में ले लेती हूँ ताकि दूसरा थैला ना वेस्ट, और यूजुअली आई कैरी अ जूट बैग ताकि मैं सब कुछ उसमें लेके आऊँ और कोई ज़रूरत ही ना पड़े। इस सिनेरियो को मैं ऐसे देखती हूँ कि अगर हम आज इसे समझेंगे तो कल वाली पीढ़ी को इतने समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हम उन्हें आज से ही ऐसा देते हैं, क्योंकि अगर आज हम जैसे बढ़ रहे हैं वो कल ऐसे ही बढ़ते चले आएंगे। बस यही बात है कि हमें समझना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात है कैंसर वगैरह बहुत कुछ बीमारियां हो रही हैं इनसे, इनकी बर्निंग वगैरह से, तो हमें इसे कंट्रोल में रखना चाहिए, से नो टू प्लास्टिक बैग्स। बिल्कुल, बच्चों में समझ बहुत अच्छी है। कितने बच्चे नैनीताल गए हैं, कितने बच्चे जाते हैं हिल स्टेशन पे, गए हैं कभी सामान खरीदा है हिल स्टेशन पे, नैनीताल में सामान खरीदा है?
वहाँ पन्नी में नहीं मिलता है, वहाँ एक कागज में मिलता है, और कागज आप अपने ऐसे ऐसे दबा के ऐसे पकड़ के सब लेके जाए, क्योंकि दिल्ली वालों को आदत नहीं होती थैला ले जाने की। यही अभी केरला कर्नाटका में भी स्टार्ट हुआ है, वहाँ पे बनाना लीव्स के जो पैकेट्स बनाए जा रहे हैं, स्पाइसेस और एवरीथिंग के लिए बनाना लीव्स के पैकेट्स बनाए जा रहे हैं, आइसक्रीम वगैरह सब कुछ, आइसक्रीम वगैरह उसी में दिया गया है। खाने की चीज़ें जो होती हैं, मार्केट की जो चीज़ें होती हैं, वो सब बनाना लीव के अंदर फोल्ड करके बना के दी जाती है। इडली हो, राइस हो, क्योंकि मैं चेन्नई साइड गई हूँ तो मैंने देखा है वो बनाना लीव में ही, और फिर एक थ्रेड से उसे कवर करके देते हैं, दे डू नॉट यूज़ प्लास्टिक एंड ऑल। तो ये बच्चों में समझ अच्छी आ रही है कि इस्तेमाल ना करें और कैसे कैसे इस्तेमाल ना करें, परिवार को कैसे समझाएं, खुद कैसे उन चीज़ों को समझें ताकि इन चीज़ों को रोका जा सके, प्लास्टिक को रोका जा सके। बहरहाल आप देख रहे थे समाज संवाद, कैमरामैन चांद आलम के साथ मैं दीपक ब्रिजलाल, नमस्कार।